छोरी 6 महीना की हुई गई तो थोड़े ऊपरी हार की जानकारी देने जा रही थी छोरी के खीर खिलाऊना के लेना। अच्छा खीर बनाई ना रखनी चाहिए दीजिए आवा तो खिलाओ बेनो लता खीर कैसी बनाई थी चावल दूध और शक्कर डाली जो अच्छी पकाई गन देर तक साफ सफाई से बनी थी। साफ सफाई से बनी हां साफ सफाई से बना हो हां है ना बनेगा खीर खिलाई दे आज। हां हां ओके आ लाओ दियो मुझे गुड़िया भी 6 महीना की गई। हाँ और कसो ध्यान देना छे संतान तो जारी रखनु छे। हाँ ना एक बार ऊपरी हाथ जैसे की पोन कटोरी बनेल खानो दिन में 3 बार खिलाऊनु छे। हाँ ना तो जैसे की नरम दलिया अच्छा है हाँ। दूध में अच्छे पकेल दलिया नरम हाँ। खिचड़ी भी गई हाँ। है ना मसली भी दाल वगैरह खीर ना मछली भी सब्जी ना भी खिले सको केला भी गा है ना पपीतो भी गा ये खिले सको जाबी। लता गुड़िया को आप छेनी एक साफ सफाई पर ध्यान दीजिए। अच्छा है ने हाँ। एने का खान पान पर ध्यान दीजिए अभी हाँ। है ने हाँ। ताकि गुड़िया अच्छी तंदुरुस्त रहे। हाँ हाँ। अच्छा तो लता हूँ चलू है ना हाँ, ठीक छे हाँ। लता राम 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 कसो का आउनु हो बस मैं थोड़ा लता से मिली लियो चलो आओ बैठो। हाँ अरु जीजी कसो का आउनु हो तुम्हारो तो जी के थार बच्चा अब कितना महीना की हुई गई 8 से अब 9 में लगने वालों छे। अभी तुम कितने को वान के खानो खिले रहा था पोन कटोरी खिलाती थी तो हाँ। जैसे दाल खिलाओ जो थोड़ी सी फीकी फिर चावल को पानी फिर कभी कभी थोड़ी सी दलिया भी खिला दियो जी और कहीं पर ज्यादा नहीं खिलाती क्योंकि मैं सोमिया को पेट दुख जे का वजह से मैं सास नहीं कही गई कि ज्यादा मत खिलाओ जो मतलब खिलाओ लेकिन कम तो मैंने सोची कि ठीक है दीदी और आवा तो पूछ ले हो सका कि कुछ थोड़ी और परेशानी होएगा लेकिन खाना से कभी पेट नहीं दुखता है लेकिन अभी सोमे 8 महीना की ही गई। हाँ है नहीं अब 9 महीना में लगी गई। हाँ तो 9 महीना में बच्चा को जैसे उम्र बढ़ती जाए तो सो ऊपरी हारों को देने पे बढ़ी जाता है लेकिन अभी वो एक कटोरी बनावा अभी तुम पोन कटोरी देता था लेकिन अभी वो एक कटोरी बनवाओ खाना दिन में 3 बार खिलाओ जो ठीक छे अभी बार नाश्तो भी दीदी 9 महीना को बच्चे को तो खानो के अलग से देना पड़ेगा। हाँ अब 9 महीना को बच्चे भी को तुम्हारा तो अलग से खानो जैसे कि दलिया भी गई हाँ। है खिचड़ी भी गई फिर खीर मसली भी दाल वगैरह अच्छा, अच्छा, है ना हाँ। दाल रोटी है ना थोड़ी भिगोई ना करी खानो भी खवाड़ी सको जाबी जैसा कि अम्बा पपीता केला संतरा और थोड़ी सब्जी भी नहीं तो अभी 9 महीना खीर नहीं तो दांत ओसा हिड़ी न सक बगी रही एक वजह से वो कुछ खाती नहीं ना सब पूरी हिड़ी न सक बगी रही नहीं एक वजह से हाँ ज्यादा खाना नहीं दी पाई रही क्योंकि बच्चा की हिड़ी ना तो बनी रही दांत निकली रहा हाँ। तो वो चबाना लेने तो थोड़े हाँ। करते हर चीज का तो फिर जैसे गाजर का टुकड़ा गाजर का आने के साफ सुथरा करी ना गाजर का छोटा छोटा टुकड़ा करी ना ओख मुंह में दे ताकि ओख चबा होगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा फिर जैसे रोटी है ना रोटी का टुकड़ा दी दो हाथ में है ना तो ये आसो ओख जो तो ठीक रहेगा। हाँ दीदी गुड़िया तो सब कुछ खाना लगी कहीं दूध पिलाने कहीं शायद बंद कर दे कहू तुमको कहीं दूध खरीदना पड़ा नहीं नहीं है तो फिर दूध 2 साल तक दूध पिला और दूध का साथ में ऊपरी हार भी कोई बात नहीं पिलाऊं सोमिया को टाइम हुआ खड़ी होने को हाँ। शायद को भूख भूख लगी है तो हम अभी उठे कर लो दीदी देखो खाना को टाइम हुआ था थोड़ा सा खाना लिया एक तो पकड़ो 1 मिनट है हाँ ठीक है मैं ले आजा बेटा आजा ठीक है ना हाँ हाँ ठीक है तुम खान लेना मम्मी के पास खाना खाइए लता कटोरी तो बहुत सुंदर है। हाँ दीदी इस कटोरी में खाना खिलाओ जो पसंद की कटोरी आई है खाना खिलाओ जो की कटोरी का देखी ना मुझे कैसे पहचान गई मम्मी कटोरी लेना है। कविता एक और अच्छा तरीका बताओ। हाँ बताओ ना आने की बच्चा का खानो खिलाओ ने ते गानो गाइना है ने हाँ। फिर कविता सुने ना अच्छा है ने आसो बच्चा का खानो खिलाओ तो बच्चा खानो भी खा लेगा और ओको पेट भी भरी जाएगा अच्छा
और खानो खिलाते समय तुम्हारो बच्चा को किन बात में को ध्यान रखो अच्छा साफ बर्तन में को खानो खिलाओ जो टाइम टाइम पर खानो दियो जो खाऊ थोड़ी थोड़ी चीज हर चीज खाओ जो खाऊ अच्छा हाँ तो बच्चा को आने की बच्चा का अच्छे से साफ सुथरा रखनो अच्छा है ना और बर्तन का खाना का बर्तन का साफ सुथरा रखनो है बच्चा का खाना खिलाते समय ये बात को जरूर ध्यान रखो अच्छा। कि हाथ साबुन से धुले होनो है ना हाथ साबुन से धोए ना बच्चा को खाना खिलाओ अच्छा खाना खिलाने के बाद तुरंत को अच्छे से मुँह साफ कर दे ताकि मुँह पर मक्खी न बैठा ले ले खा ले खा ले खा ले भूख लगी परी को भूखी अच्छी अच्छी बात न बताई ना तुम्हारी बात न से बहुत ध्यान रखूंगा और आस पास वाला ना बताऊंगा कि सब बच्चा ना साफ सफाई से खाना खिलाना चाहिए हाथ धोई ना अपनी कोटरी का साफ करी ना सामान खाओ अच्छे से और बच्चा साफ सफाई से रखना चाहिए अपना उन्हों वड़ा बिंदु छह माह का बाड़क माँ का दूध से जरूरी पोषण पूरी तरह से नहीं मिलता इकलिए छह माह का तुरंत बाद ऊपरी आहार खवानू बहुत जरूरी छे छह से आठ माह का बाड़क स्तनपान का साथ दिन में दो तीन बार पौन कटोरी घर में बनेल मुलायम दाल पानी या दूध में बनेल दलियो उबड़े मसले सब्जी न दाल या सब्जी में मसले रोटी न चावल खिचड़ी खीर अरु मौसमी फल खवानू चाहिए नौ से बारह माह का बाड़क स्तनपान का साथ दिन में तीन चार बार घर में बनेल एक कटोरी खानो और एक दो बार नाश्तो खवानो चाहिए जैसा मुलायम दाल दलिया उबड़े मसली सब्जी न रोटी चावल नरम खिचड़ी न खीर खवाड़ी सकांज नौ से बारह माह की उम्र में बाड़क का दांत निकलन लगज एकलिए गाजर या रोटी का छोटा छोटा टुकड़ा खाना के लिए देव मौसमी फल में आम पपीता संतरा केला भी खवाना बाड़क बिना नमक मिर्च को ताजो खानो अलग कटोरी में खवानो चाहिए